पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर द्वारा जनमानस को जागरूक करने हेतु 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा शपथ दिलाकर किया गया। इसी के चलते मंडल कार्यालय तथा मंडल की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक एसके वो सहित मंडल कार्यालय एवं शाखाओं के स्टाफ उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शाखा स्तर पर विभिन्न ग्रामीण पंचायतों में जन सभाएं करवाई जा रही हैं, जिनमें भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके प्रति लोगों ने उत्साह दिखाया। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर की शाखाओं एवं आरसीटी द्वारा विभिन्न विद्यालयों में सतर्कता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों से शपथ ग्रहण करवाई गई तथा विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को ईमानदारी से काम करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हमीर उत्सव में बैंक द्वारा स्टॉल लगाई गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया और इसके द्वारा ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के साथ भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण हेतु जागरूक किया गया। पीएनबी के अधिकारी सुदेश कुमार बोध ने बताया कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत हमीरपुर बाजार में जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि सर्कल कार्यालय से रैली को शुरू किया गया और पूरे बाजार में परिक्रमा की गई। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक आम जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक मुहिम चलाया हुआ है, भ्रष्टाचार से पूरा देश जो है परेशान है, इसका एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमने जो है एक रैली निकाला है।